हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो सेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर में वार्निंग पेपर्स का टॉपिक एक्सीडू कंजर्वेशन। एक्सीडू कंजर्वेशन तो हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वो क्या होता है। अब आज हम एक्सीडू कंजर्वेशन की स्ट्रेटजीज को पढ़ेंगे, ठीक है, कि अगर हमें एक्सीडू कंजर्वेशन करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या एक्सीडू कंजर्वेशन की स्ट्रेटजीज। एक्सीडू कंजर्वेशन में क्या होता है, देख लो उसकी स्ट्रेटेजी में क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज टू बी कंजर्व। सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि हमको जो भी स्पीसीज को कंजर्व करना है, बचाना है लुप्त होने से, एक्सटिंक्ट होने से, तो सबसे पहले हमें उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि हाँ यही वो स्पीसीज है और ये वो स्पीसीज है जो कि एक्सटिंक्ट हो रही है। साथ ही साथ वो इम्पोर्टेंट भी, अगर फालतू की होगी तो फिर हम उससे ज़्यादा उसको ज़्यादा भाव नहीं देंगे। अगर वो स्पीसीज, जैसे कि मान लो कोई एक स्पीसीज है, अगर वो एक्सटिंक्ट हो रही है और वो बहुत ज़्यादा क्रूश, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, तो हम उसको कंजर्व करेंगे। अगर ये जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है तो हम इसको कंजर्व नहीं करेंगे, ठीक है। फिर मेथड ऑफ एक्सीडू कंजर्वेशन। अच्छा, दो स्ट्रेटजीज थी। एक तो पहले आइडेंटिफाई करो कि ये मतलब वल्नरेबल है या एंडेंजर्ड है कि नहीं है, इसको हमें कंजर्व करना है कि नहीं करना। फिर अगर हम ये जान जाएंगे कि हाँ ये कंजर्व करने लायक है, तब क्या होगा, फिर जो एक्सीडू के मेथड थे कंजर्वेशन के, वो हम अप्लाई करेंगे। कि अब वो हम पे डिपेंड करता है ना कि हम इसको जू में ले जाएँ या फिर गार्डन में ले जाएँ या फिर किसी नर्सरी में ले जाएँ, वो सारी चीज़ें फिर हम देखेंगे उसको, ठीक है। तो ये दो स्ट्रेटजीज हैं एक्सीडू कंजर्वेशन की। अब देखो आइडेंटिफिकेशन जो मैंने बताया, तो वल्नरेबिलिटी ऑफ स्पीसीज टू एक्सटिंक्शन, मतलब विच आर एट मोर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। मतलब अब जैसे कि मान लो काफ़ी सारी स्पीसीज हैं, ए बी सी डी, ये सारी एक्सटिंक्ट हो, मतलब ये सारी एंडेंजर्ड है, तो अब हम सबको एक साथ तो बचाना तो बहुत मुश्किल होगा। तो अब हम इनमें से चूज़ करेंगे, देखेंगे क्योंकि कौन सी जो है स्पीसीज जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज है एक्सटिंक्शन के, यानी कि जो कि बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, बहुत जल्दी लुप्त होने वाली है, तो पहले हम उसको बचाएंगे। मान लिया ये पहले ख़त्म होने वाली है, तो हमने पहले इसको बचा लिया, अब ये कंजर्व हो गई, ठीक है। फिर अब मान लो ये वाली है तो हमने इसको कंजर्व कर लिया, अब ये बच गई, फिर ऐसे ऐसे करके हम मतलब कंजर्व करेंगे, ठीक। तो फिर चाहे एट मोर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। फिर नेक्स्ट इज इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल एंड एस्थेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज। वही चीज़ है कि हम देखेंगे कि ये जो स्पीसीज है ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इसको कंजर्व करना ज़रूरी है या नहीं है, कि अगर मान लो ये कोई हार्मफुल या फिर कोई ऐसी ही फालतू फालतू स्पीसीज हुई, तो हम इसको क्यों कंजर्व करें, क्यों हम इस पर अपना टाइम वेस्ट करें, इसके बजाय जो और इम्पॉर्टेंट स्पीसीज है जो कि ऑन द वे ऑफ एक्सटिंक्शन हैं, उनको हम पहले कंजर्व करें, है ना। दैट्स द पॉइंट। सो दिस इज़ इट फॉर एक्सीडू कंजर्वेशन। बाकी इसके मैथड्स हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियोज़ में। तो नेक्स्ट कम्स जो है क्यू एन ए पार्ट। आज का हमारा क्वेश्चन है कि ये जो एक्सीडू कंजर्वेशन है ये इन नेचुरल हैबिटेट में किया जाता है या फिर अवे फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट किया जाता है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में दीजिए, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इसको शेयर कर दो जितना कर सकते हो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।